Hello everyone, today we will be solving AKTU surveying in geomatics paper, that is KC 302. Surveying in geomatics ka abhi hum log is video mein sirf section A aur section B solve karenge, and in the next video we will be solving section C. So the first question from section A is of closing error. What do you mean by closing error? When calculating or plotting the distance or angle of a closed traverse, the discrepancy between starting and finishing point is called closing error. Okay, or alternatively, when there is a gap between the starting point and finishing point, this gap is called closing error. It is encountered mostly in closed traverse, and if the starting point and the finishing point is not same, there is some gap. This gap is called closing error. Second question is, what do you mean by benchmark? A benchmark is a point of reference by which something can be measured. It is established at a known elevation that is used as the basis for measuring the elevation of other topographical point. It is established at known elevation. Benchmark एक ऐसा point होता है reference का, जिसका elevation हमको पहले से पता होता है, उसका elevation पता होता है, अब हम उसी से reference मान के आगे के जितने भी elevations हैं या study हैं वो करते हैं. Next question is, the different principal sources of error in leveling. Leveling में कौन कौन से error होते हैं? The leveling staff not being fully extended, leveling staff पूरा खुला नहीं हो. The staff held upside down, staff उल्टा लिया हो हमने. Taking reading coincident with one of the stadia here, top or bottom instead of central here. Stadia here तीन होते हैं horizontal. अगर हमने reading top या bottom here को coincide करके ले ली तब वो गलत हो जाएगा. हमें हमेशा जहां पे हमारा central here coincide करता है वो reading लेनी चाहिए. Omitting an entry, कोई ऐसी entry जो हम भूल गए हों और field book में हमने note नहीं की हो. Entering a reading in the wrong column. अब जैसे BS, IS, FS तीन कॉलम होते हैं, उसमें हमने अगर रीडिंग जो है एंटर कर दी है गलत कॉलम में तो हमारे लेवलिंग में एरर हो सकता है. ये तीन क्वेश्चन, क्लोजिंग एरर, बेंचमार्क एंड डिफरेंट प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एरर इन लेवलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ट्रू बियरिंग क्या होगी अगर मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है 46 degree 34 minute और डिक्लाइनेशन गिवन है 5 degree 38 minute ईस्ट. डिक्लाइनेशन ईस्ट और वेस्ट होता है. अगर डिक्लाइनेशन ईस्ट है तो हम पॉजिटिव प्लस करते हैं, अगर डिक्लाइनेशन वेस्ट गिवन है तो हम नेगेटिव करते हैं. फॉर्मूला ट्रू बियरिंग का होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन. मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है 46 degree 34 minute, डिक्लाइनेशन ईस्ट है तो हम प्लस कर लेंगे 5 degree 38 minute, आंसर आ जाएगा 52 degree 12 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल फोटोग्राफ एंड टिल्टेड फोटोग्राफ. वर्टिकल फोटोग्राफ, दीज आर द एरियल फोटोग्राफ विच आर टेकन व्हेन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा इज वर्टिकल. टिल्टेड फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ विच आर टेकन व्हेन द कैमरा एक्सिस टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल बाय अ स्मॉल अमाउंट यूजुअली लेस देन 3 degree. ये आपका कैमरा है, ये आपका कैमरा लिया हुआ है, आप यहाँ इस ग्राउंड की फोटोग्राफ ले रहे हो. अगर ये जो कैमरा एक्सिस है ये वर्टिकल है, टिल्टेड नहीं है, तब इसको कहते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ. मतलब प्लम्ब लाइन और कैमरा एक्सिस के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, दोनों मर्ज होते हुए जा रही है, तब इसको बोलते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ. अगर प्लम्ब लाइन जो कि ग्रेविटी लाइन होती है और कैमरा एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है और वो 3 degree से कम है, अगर ये 3 degree से कम है तब तो ये कहलाता है टिल्टेड फोटोग्राफ. और अगर 3 degree से ज्यादा होता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है ओब्लीक फोटोग्राफ. अगर 3 degree से ज्यादा होता है तो कहलाता है ओब्लीक फोटोग्राफ, 3 degree से कम होता है तो कहलाता है टिल्टेड फोटोग्राफ, और अगर एंगल 0 degree होता है मतलब ये वर्टिकल होता है तब ये वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाता है. फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल मेजरमेंट एंड प्रोड्यूसिंग मैप बाई मीन्स ऑफ फोटोग्राफी. ओके, देन वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर इन GIS. वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर, किन किन सोर्सेज की वजह से GIS में एरर आ सकता है? तो मेजरमेंट एरर बता रहे हैं कि अगर मेजर करने में आपने गलती कर दी तो मेजरमेंट एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकते हैं. कि इसका सोर्स क्या हो सकता है? कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है इस वजह से एरर आ रहा है. डेटा एक्विजिशन एरर, मतलब डेटा जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तब ये आपका ह्यूमन एरर हो सकता है.
मतलब जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनको डेटा एक्वायर करना नहीं आता, वो सही तरह से नोट नहीं कर रहे हैं. नेचुरल वेरिएशन, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी रीडिंग बहुत ज्यादा डिफर कर रही है. क्रैब और ड्रिफ्ट, when the camera is not square with the direction of flight at the time of exposure, an angle is formed between the flight line and the edges of photograph. This angle is called crab. This is flight line, it is vertical and the camera should be like horizontal. यहाँ पे एक 90 degree का angle बनना चाहिए और हमारी photos बार बार ऐसी आनी चाहिए. अगर हम overlap दे रहे हैं, हम हमेशा ये ideal condition assume करते हैं, but कभी कभी ऐसा नहीं होता और हमारी flight line और camera axis में थोड़ा सा angle, हमारी photograph कुछ हम इस तरह से लेते चले जाते हैं. यहाँ पे जो एक angle form होता है इसी को बोला जाता है crab angle. ड्रिफ्ट के द इनएबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू फॉलो द फ्लाइट लाइन इज नोन एज ड्रिफ्ट. ये फ्लाइट लाइन है, एयरक्राफ्ट जो हमारा एरोप्लेन है उसको इसी लाइन को फॉलो करना चाहिए, बट ये इसको फॉलो नहीं करता है. ये फ्लाइट लाइन को ये एयरक्राफ्ट लाइन फॉलो नहीं करता है और ये हवा की वजह से इधर इधर कहीं एयरक्राफ्ट हमारा उड़ता चला जा रहा है ड्यू टू विंड. इसको कहते हैं ड्रिफ्ट. द इनएबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू फॉलो द फ्लाइट लाइन इज नोन एज ड्रिफ्ट. Total station measurement of horizontal angle. As we all know, total station is a surveying equipment and it is a combination of electronic distance measurement and electronic theodolite. Total station है क्या? Total station EDM plus theodolite. इन दोनों का combination है. EDM से हम distance measure करते हैं, theodolite से हम angle measure करते हैं. थियोडोलाइट से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं. तो जब टोटल स्टेशन बन करके निकलता है तो उससे हम डिस्टेंस एज वेल एज एंगल मेजर कर लेते हैं. और एंगल कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीज विच वी कैन कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंगल इन द टोटल स्टेशन वेरी प्रिसाइसली. विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीज वी कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द टोटल स्टेशन वेरी प्रिसाइसली. पैरालैक्स मेजरमेंट, पैरालैक्स क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन टू सक्सेसिव एक्सपोजर इज कॉल्ड द पैरालैक्स ऑफ अ पॉइंट. इट इज यूज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या करते हैं कि एक बार अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा ग्राउंड पे, ठीक है, एक बार हम इस लोकेशन से फोटोग्राफ ले रहे हैं, एक बार हम इस लोकेशन से फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, जब ये इमेज बनती है तो ये पॉइंट डिस्प्लेस हो जाते हैं. इसी डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है पैरालैक्स. Now let's move on to section B. First question is classification of survey. Classification of survey is divided into three parts based on the nature of the field survey, object survey and instrument used. Field survey में land, marine survey और astronomical survey तीन में divide किया गया है. Land में आता है topographical, cadastral, city survey. टोपोग्राफी में पता करते हैं कि प्लेन है, plateau है, माउंटेन है. cadastral में boundaries देखते हैं. city survey में देखते हैं कि कहाँ पे कितने रोड्स हैं, कहाँ पे कितने ब्रिजेस हैं, कितने बनने चाहिए. मरीन सर्वे हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में आता है. एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी होती है, प्लैनेट्स के बारे में. ऑब्जेक्ट सर्वे में इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे. इंजीनियरिंग वही रिलेटेड टू ब्रिज, रोड, टनल. मिलिट्री सर्वे रिलेटेड टू डिफेंस. माइन सर्वे में मिनरल्स हम पता करते हैं कहाँ कहाँ हैं. जियोलॉजिकल सर्वे में अर्थ का स्ट्रेटा कैसा है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में. इंस्ट्रूमेंट यूज के हिसाब से अगर चेन यूज कर रहे हैं तो चेन सर्वे, थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं थियोडोलाइट सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, एरियल सर्वे, फोटोग्रामेटिकल सर्वे. डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेनिंग. चेनिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? बेसिकली चेन्स, एरो, पेग, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब. चेन से तो डिस्टेंस ही मेजर करते हैं. एरो क्या होता है कि जब एक चेन का डिस्टेंस मेजर कर चुके होते हैं तो ग्राउंड में उसको इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे करके एक एरो होता है, ठीक है. पैग क्या होता है? मार्किंग करने के लिए. पैग एक वुडन का बना हुआ ऐसे मार्किंग इंस्ट्रूमेंट होता है जहां हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्टेंस मेजर के अकॉर्डिंग मिलती है तो हम वहां पे पैग लगाते चलते हैं ग्राउंड में. रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड होती है जो साइड करने के लिए काम में आती है, ठीक है. प्लम बॉब क्या करता है? ट्रांसफर द पॉइंट टू द ग्राउंड. प्लम बॉब क्या होता है कि जब हम पेपर पे कोई भी चीज मार्क कर रहे होते हैं उसका जो पॉइंट है ग्राउंड पे एग्जैक्टली वो ट्रांसफर करने के लिए प्लम बॉब यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इजी था. इसमें बोला था कि 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ लिया गया है और 20 मीटर के कॉमन इंटरवल पे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रीडिंग लिख दी है कि हमारे पास 10 रीडिंग थी, ठीक है.
ठीक है, कितनी रीडिंग थी हमारे पास? 10 रीडिंग थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रीडिंग को हमने नोटेड डाउन कर लिया है। 0.385 बीएस, बीएस हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर आईएस, लास्ट रीडिंग एफएस होती है बिफोर चेंज ऑफ स्टेशन, फिर नेक्स्ट रीडिंग बीएस, आईएस, आईएस एंड एफएस, लास्ट रीडिंग एफएस होती है। यहाँ पे हमने देखा कि 4.686 ये रीडिंग है, उसके बाद हमको 0.625 दिया था, ये इससे जस्ट छोटी थी, एकदम अचानक से इतना चेंज आ गया और 5 मीटर का लेवलिंग स्टाफ था, तो इससे बड़ी रीडिंग आ भी नहीं सकती, तो ये हमारा चेंज पॉइंट हो गया। 20 मीटर के कॉमन इंटरवल पे गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि बेंचमार्क पे तो जीरो डिस्टेंस होगा, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180, मतलब हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 180 मीटर्स का हमने रीडिंग भर दी बीएस, आईएस और एफएस में। उसके बाद हमको राइज एंड फॉल मेथड बोला गया था, तो राइज और फॉल का एक कॉलम बना लिया, आरएल का एक कॉलम बना लिया, रिमार्क्स का बना लिया। फर्स्ट आरएल कितनी गिवन है, 208.125। इसमें सब क्या करते हैं राइज एंड फॉल मेथड में, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, इसमें से इतना माइनस किया आया माइनस 0.645 आ रहा था, तो ये फॉल में ही जाएगा, अगर प्लस आता तो राइज में जाता, यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। 1.030 में से माइनस करेंगे 1.925, माइनस 0.895, फिर ऐसे ही 1.925 में से 2.825 माइनस होगा, 2.825 में से 3.3730 माइनस होगा, और इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ पे वैल्यू सामने लिख दी। ठीक, उसके बाद 0.625 में से 2.005, 2.005 में से 3.110 और इसमें से ये माइनस होकर के सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो फॉल में ही जाएगी। अब क्या होता है कि अगर हमको फर्स्ट आरएल गिवन है, यहाँ पे अगर राइज में होता तो हम प्लस करते, फॉल में होती है रीडिंग तो माइनस करते। 208.125 में से माइनस कीजिए 0.645 तो ये वैल्यू आएगी, फिर इसमें से ये माइनस कीजिए ये वैल्यू आएगी, इसमें से ये ऐसे करके आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चेंज पॉइंट, एफएस से हम बीएस में आ गए हैं। अब एक चेक का फॉर्मूला होता है, सिग्मा समेशन ऑफ बीएस रीडिंग, बीएस रीडिंग का समेशन कर लीजिए तो आ रहा है 1.01, समेशन ऑफ एफएस रीडिंग, एफएस रीडिंग का समेशन आ रहा है 9.171 इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल है 199.964 माइनस 208.125। ठीक है, तो ये आ रही है हमारी 1.01 माइनस 9.7171, 8.161 ये भी आ रही है और 8.161 ये भी आ रही है, तो चेक तो हमारा ओके है कि हमने आरएल से निकाला है। सेकंड पूछा है क्वेश्चन में ग्रेडियंट बताइए, ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड तो हमने यहां से देख ली कि 180 मीटर हमने कवर की हुई है डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा गया है डिस्टेंस कवर तो हमने देख ली कितनी है 180 मीटर। डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड में क्या होता है कि समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, राइज तो है नहीं तो समेशन ऑफ फॉल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8.161, तो 8.161 अपॉन 180 कर लेंगे तो आएगा 0.0453। इसके ग्रेडियंट निकालना है, स्केल निकालना है, तो जब आप इस रीडिंग को 1 अपॉन करोगे तो 1/22 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2C, रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज अ स्पेस और स्टेज टू माउंट द कैमरा और सेंसर टू एक्वायर द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट अंडर इन्वेस्टिगेशन। बेस्ड ऑन इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस प्लेटफॉर्म में भी क्लासिफाइड एज ग्राउंड बॉर्न हो सकता है, लैब में स्टडी कर रहे हैं, एयर बॉर्न हो सकता है, एयरक्राफ्ट है, या फिर स्पेस बॉर्न सेटेलाइट में कर सकते हैं। स्पेशल और एट्रीब्यूट डेटा दो तरह के डेटा होते हैं, ये दो तरह के GIS डेटा होते हैं। स्पेशल डेटा जैसे हमने बोला कि कोई चीज कहाँ है, वेयर इट इज लोकेटेड, तो जब आप बता रहे होते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड है तो आप स्पेशल डेटा बता रहे होते हो, और वो वहां पहुंच करके आप क्या क्या पाओगे वो एट्रीब्यूट है। स्पेशल डेटा कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेट एंड लोकेशन डिटेल। स्पेशल डेटा इज द वेयर, एट्रीब्यूट डेटा इज इन्फॉर्मेशन टू दोज स्पेशल फीचर्स, एट्रीब्यूट डेटा कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट व्हेन एंड व्हाई। ओके, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन अभी हमने जाना कि ईडीएम प्लस थियोडोलाइट होता है, मतलब हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज ऑफ मल्टीपल डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिवेशन ऑफ एंगल,
फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड। इसके अलावा क्या है कि इसमें प्रोसेसर लगा होता है, तो हम इसमें जितना भी डेटा है वो एक एसडी कार्ड में स्टोर करके अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, बाद में जाकर के लैब में जितनी भी स्टडी है वो हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही फास्ट होता है, इसमें एरर बहुत ही कम होता है और हाईली एफिशियंट होता है, ठीक है। आगे सेक्शन जो सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।